दिल्ली के प्रतापी राजा पृथ्वीराज और महोबे के राजा परिमाल में बहुत दिनों से शतुलता थी परिमाल ने अवसर पाकर पृथ्वीराज की एक सैनिक टुकड़ी पर आक्रमण किया और उसके कुछ सैनिकों को उन्होंने बंदी बना लिया यह समाचार जब दिल्ली पहुंचा तब राजा पृथ्वीराज क्रोध में भर गए उन्होंने सेना सजाई और महोबे पर आक्रमण कर दिया महोबे के राजा परिमाल भी बड़े वीर थे उनकी सेना में आलाह और उदल जैसे वीर सामंत थे आलाह उदल की वीरता का लोग अब तक वर्णन करते हैं परिमाल ने आल्हा उदल और अपने दूसरे सब सैनिकों को साथ पृथ्वीराज का सामना किया बड़ा भयंकर युद्ध हुआ लेकिन दिल्ली की विशाल सेना के आगे महोबे के वीर टिक नहीं सके राजा पृथ्वीराज विजयी हुए महोबे की सेना युद्ध में मारी गई लेकिन दिल्ली की सेना भी मारी गई और पृथ्वीराज भी घायल होकर युद्ध भूमि में गिर गए सच्ची बात यह है कि उस युद्ध में कौन विजयी हुआ यह कहना ही कठिन है दोनों ओर के प्रायः सभी योद्धा पृथ्वी पर पड़े थे अंतर इतना ही था कि मोहब्बे के राजा और उनके वीरों ने प्राण छोड़ दिए थे और पृथ्वीराज तथा उनके कुछ सरदार घायल होकर गिरे थे वे जीवित तो थे किंतु इतने घायल हो गए थे कि हिल भी नहीं सकते थे जब दोनों ओर के युद्ध में मर कर या घायल होकर गिर गए और युद्ध की हलचल दूर हो गई वहाँ झुंड के झुंड गिद्ध आकाश से उतर पड़े वे मरे और घायल लोगों को नोच नोच कर खाने लगे उनकी आंखें और आते निकालने लगे बेचारे घायल लोग चिखने और चिल्लाने को छोड़कर और क्या कर सकते थे वे उन गिद्धों को भगा सके इतनी शक्ति भी उनमें नहीं थी राजा पृथ्वीराज भी घायल होकर दूसरे घायलों के बीच में पड़े थे वे मिलछित हो गए थे गिद्धों का एक झुंड उनके पास भी आया और आसपास के लोगों को नोच नोच कर खाने लगा पृथ्वीराज के वीर सामंत संयम राय भी युद्ध में पृथ्वीराज के साथ आए थे और युद्ध के समय पृथ्वीराज के साथ ही घायल होकर उनके पास ही गिरे थे संयम राय की मूर्छा दूर हो गई थी किंतु वे भी इतने घायल थे कि उठ नहीं सकते थे युद्ध में अपनी इच्छा से ही वे राजा पृथ्वीराज के अंगरक्षक बने थे उन्होंने परे परे देखा कि गिद्धों का झुंड राजा पृथ्वीराज की ओर बढ़ता जा रहा है वे सोचने लगे राजा पृथ्वीराज मेरे स्वामी हैं उन्होंने सदा मेरा सम्मान किया है मुझ पर वे सदा कृपा करते हैं उनकी रक्षा लिए प्राण दे देना तो मेरा कर्तव्य ही था और युद्ध में तो मैं उनका अंगरक्षक बना था मेरे देखते देखते गिद्ध उनके शरीर को नोचकर खा ले तो मेरे जीवन को धिक्कार है संयम राय ने बहुत प्रयत्न किया किंतु वे उठ नहीं सके गिल्त पृथ्वीराज के पास पहुंच गए थे अंत में वीर संयम राय को एक उपाय सूझ गया पास पर ही एक तलवार किसी प्रकार खिसकाकर उन्होंने उठा ली और उसने अपने शरीर का मांस काट काट कर गिद्धों की ओर फेंकने लगे गिद्धों को मांस की कटी बोटियाँ मिलने लगी तो वे उनको झपट्टा मारकर लेने लगे मनुष्य के देह नोचना उन्होंने बंद कर दिया राजा पृथ्वीराज की मूर्ठा टूटी उन्होंने अपने पास गिद्धों का झुंड देखा उन्होंने यह भी देखा कि संयम राय उन गिद्धों को अपनी मांस काट काट कर खिला रहे हैं इतने में पृथ्वीराज के कुछ सैनिक वहाँ आ गए वे राजा और उनके दूसरे घायल सरदारों को उठाकर ले जाने लगे किंतु संयम राय अपने शरीर का इतना मांस गिद्धों को काट काट कर खिला चुके थे कि उनको बचाया नहीं जा सका अपने कर्तव्य के पालन में अपनी देह का मांस अपने हाथों काटकर गीधों को देने वाले वह वीर रणभूमि में सदा के लिए सो गए थे